नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल सब वीडियोज़ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पिक्चर्स के बैकग्राउंड की, जो कि हम एडिट करेंगे या रिमूव करेंगे फोटोशॉप 2020 की मदद से। अक्सर हम लोग डेली लाइफ में पिक्चर्स के बैकग्राउंड को लेके टेंशन में रहते हैं। आज बात करते हैं कैसे इसको रिमूव किया जाए। तो मेरा नाम है अभय और आप देख रहे हैं सब वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोटोशॉप ओपन करें। फोटोशॉप ओपन होने के बाद आप कोई भी पिक्चर्स चूज़ कीजिए, जैसे मैं चूज़ करता हूँ। आप कोई भी पिक्चर चूज़ कर सकते हैं, जैसे टेक्निकल गुरुजी, मैंने इनकी फ़ोटो मैंने पहले ही ले लिया था। फिर आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, फिर एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही ये टेक्निकल गुरुजी की मेन पिक्चर जो है उसके बैकग्राउंड को छोड़ के ये अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। ये एडोब फोटोशॉप 2020 है, जो कि ये AI, एक इसका AI फीचर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम करता है ये। फिर इसको सेलेक्ट एंड मार्क कीजिए। सिलेक्ट एंड मार्क करने के बाद इन्वर्ट, फिर ओके। ओके करने के बाद ये टेक्निकल गुरुजी को छोड़ के और उसके आसपास के सारे बैकग्राउंड को वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपको ये लेयर्स को अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद ये बैकग्राउंड तो अब नहीं रहा, बैकग्राउंड तो हट गया। इसको आप क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद आप सेव कीजिए, सेव कर लीजिए। चलिए हम फिर कोई दूसरा पिक्चर ट्राई करते हैं, जैसे ये शानदार मूवी का पोस्टर है ये। मुझे ये शाहिद कपूर और आलिया की फोटोज़ निकालनी है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करूँगा, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ऑटोमेटिकली वो जो मेन पिक्चर्स हैं बैकग्राउंड को छोड़ के वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस दोहरानी है। सेलेक्ट एंड मास्क, इन्वर्ट, ओके। लेयर को अनलॉक करिए, फिर डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आप इस फाइल को क्रॉप करके भी सेव कर सकते हैं, बिना क्रॉप किए भी सेव कर सकते हैं। क्रॉप करके सेव करने में आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आप ये पिक्चर कहीं पे भी यूज़ करेंगे तो स्पेस कम लेगा। सेव एज PNG। अगर आप बैकग्राउंड हटा के आप फोटोज या पिक्चर आप सेव कर रहे हो तो आप PNG में सेव कीजिए, बिना बैकग्राउंड के। ये पूछता है आप लार्ज फाइल में सेव करना चाहते हैं, आप मीडियम फाइल या स्मॉलेस्ट फाइल। आप अगर हाई क्वालिटी चाहते हैं तो लार्ज फाइल, और कम क्वालिटी चाहते हैं तो आप मीडियम और स्मॉलेस्ट फाइल आप चूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ कि जो मैंने सेव की हुई पिक्चर्स मैं कहीं और भी ऐसे यूज़ कर सकता हूँ बिना बैकग्राउंड के। आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये PNG फॉर्मेट में है, आपका जो बैकग्राउंड रहेगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। आपको हमारा ये वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी ऐसे और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। थैंक यू।